बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब महाराष्ट्र सरकार को एक और नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जो है अर्णब गोस्वामी केस में है। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है अर्णब केस की सुनवाई हो रही है। ऐसे में अदन्या नाइक, जो कि अनबे नाइक की बेटी है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। तो उनके वकील जो है एडवोकेट देसाई, उन्होंने आज कोर्ट में कहा, आफ्टर दैट वी अप्लाइड फॉर डॉक्यूमेंट्स अंडर आरटीआई, इट वॉज इन द मिडल ऑफ कोविड-19, देन अ कंप्लेंट वॉज मेड बिफोर द होम मिनिस्टर कि, और उनकी कंप्लेन क्या थी, उनकी कंप्लेन ये थी कि क्यों जो है केस साल 2018 में विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बंद कर दिया गया। तो जिसने भी ये केस बंद किया उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन सैटरडे इशूड नोटिस ऑन अ पिटीशन फाइल्ड बाय अदन्या अन्वे नाइक सीकिंग इंक्वायरी अगेंस्ट दोज पुलिस ऑफिसर फाइल्ड क्लोजर रिपोर्ट इन 2018 अबेटमेंट ड्यू सुसाइड केस अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी चीफ अर्णब गोस्वामी। तो अदन्या नाइक की ये जो पिटीशन थी उन्होंने ये दायर की थी, लेकिन कोविड के चलते जो है इस पर कुछ भी फैसला नहीं आ पाया था। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट बंद थे काफी समय तक, तब जो है उन्होंने ये पिटीशन गृह मंत्री को डायरेक्ट भेजी थी द बेंच इशू। तो अब जो है बेंच ने इस बात के लिए इशू किया है नोटिस महाराष्ट्र सरकार को और कहा है कि उन पुलिस ऑफिसर्स की जांच होनी चाहिए जिन्होंने साल 2018 केस में इस केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी और इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई थी। तो आज जो कोर्ट में जस्टिस एस एस शिंदे और एम एस कार्निक ने ये नोटिस इशू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और अब जो है महाराष्ट्र सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि आखिर क्यों जो है उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया था। जो अन्वे नाइक की बेटी हैं उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे केस में अर्णब समेत को दो लोग जिम्मेदार थे, तो तब जो है इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई थी, और इसी को लेकर उन्होंने ये पिटीशन डाली थी और अब महाराष्ट्र सरकार को इसी पर एक नोटिस इशू किया गया है। तो आज जो है अभी भी फिलहाल कोर्ट में दलीलें चल रही हैं अर्णब गोस्वामी की जमानत पर और जो बाकी दो अन्य आरोपी थे उन पर, और आज जो है इस पर लेकर कोई भी फैसला आ सकता है। सुबह से ही कल अर्णब का पक्ष सुना जा चुका था, आज स्टेट गवर्नमेंट का और साथ में अन्वे नाइक की जो पत्नी है उनका पक्ष जो है कोर्ट ने सुनना था, और उसके बाद जो है वो आज कोई फैसला दे सकती है कि क्या अर्णब को जमानत मिलेगी या नहीं। वो पिछली अगर मैं बात करूं तो 2 रातें जो है वो जेल में बिता चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अर्णब को रिलीज किया जाए इस बात को लेकर जो है एक हैशटैग काफी ट्रेंड हो रहा है।